हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं दो बेस्ट कार किया सेल्टोस और टाटा हैरियर के बीच में। दोनों ही अपने सेगमेंट में परफेक्ट कार है और दोनों एसयूवी कार है, लेकिन आज की वीडियो में बताएंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाली है और कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो बात कर लें डिज़ाइन के मामले में, दोनों एसयूवी कार है। अब बात करें इंजन के मामले में, तो किया सेल्टोस में आपको 1497 सीसी का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है और 1956 सीसी का डीजल इंजन देखने को मिलता है, और एक और इंजन 1493 सीसी का आपको एक और डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर हम लोग इंजन के मामले में टाटा की हैरियर के मामले में, तो यहाँ पर आपको 1956 सीसी का सिंगल आपको डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि मात्र मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आया टाटा ने किया क्या है। पावर की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर 113 bhp का आपको पावर जनरेट कर दिया है किया सेल्टोस ऑन पेट्रोल, और यहाँ पर टॉप मॉडल की बात कर लिया तो 138 bhp तक का पावर जनरेट कर लेती है किया की सेल्टोस। टाटा की हैरियर की बात की जाए तो 138 bhp का पावर जनरेट करती है टाटा की हैरियर। सो इन टर्म्स ऑफ पावर दोनों गाड़ी बराबर है, क्योंकि जो किया की सेल्टोस 113 bhp का जो पावर जनरेट करती है वो गाड़ी काफ़ी सस्ती है। बात कर ले माइलेज के मामले में, तो आपको 17 और 20 किलोमीटर का माइलेज देखने को मिलता है डीजल पर। वो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंजन लेते हो। अगर आप हाई सीसी का इंजन लोगे तो 17 का एवरेज, और अगर आप 1400 वाला सीसी वाला इंजन लोगे तो 20 का एवरेज देखने को मिल जाएगा। 15 का एवरेज देती है पेट्रोल पर, जो कि आपका 1497 सीसी की है। बात करें टाटा की हैरियर, तो आपको 17 का एवरेज देखने को मिल जाता है ऑन डीजल। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही गाड़ी में 50 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में 5 सीट देखने को मिलते हैं, और इंटीरियर दोनों एक कड़ी कंपटीशन देती है। मैं ये नहीं कह सकता किसकी इंटीरियर ज़्यादा बेहतर है, आप फोटोज़ के जरिए डिसाइड कर लीजिए। बात कर लें बूट स्पेस के मामले में, तो किया की सेल्टोस में 4433 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है, वहीं टाटा के हैरियर में 425 लीटर का ही बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ये था क्विक ओवरव्यू। बात कर लें सर्विसिंग की कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि गाड़ी तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन सर्विसिंग कॉस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आपको पर ईयर किया सेल्टोस में लगभग 5000 रुपये सर्विस कॉस्ट लगते हैं, पर टाटा हैरियर में 13000 रुपये आपका सर्विस कॉस्ट जाएगा, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है किया सेल्टोस में। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर, कुछ हम लोग कंक्लूजन निकाल लेते हैं तुरंत। अब मुझे देखिए टाटा हैरियर से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यार मेरी उम्मीदें यहाँ पर नहीं टिक पाई। यार सिंगल इंजन दे रहे हैं 1956 का, कोई मैनुअल ट्रांसमिशन का, और बंदा गाड़ी बहुत महंगी है भाई। अब प्राइसिंग भी बता देता हूँ एक बार, चलिए 9.69 लाख रुपीज़ से 17 लाख रुपीज़ तक किया की सेल्टोस का प्राइस है। बात कर लें टाटा की हैरियर, तो इसकी प्राइस शुरू होती है 13 लाख रुपए से, और हाईएस्ट प्राइस जाती है 16,65,000 रुपया। कुछ समझ ही नहीं हुआ क्या यार यहाँ पर, मतलब कि यार एक नज़र में अगर देखें तो वैल्यू फॉर मनी कार आप आँख मूंद के, मैं आपको बता सकता हूँ कि यह सेल्टोस आपके लिए परफेक्ट होने वाली है एज़ कम्पेयर टू टाटा हैरियर। दोनों गाड़ी यहाँ पर एक दूसरे को कंपटीशन तो देती है, लेकिन अगर हम बढ़िया गाड़ी की बात करें तो किया सेल्टोस है। आपको 3 डिफरेंट इंजन देखने को मिल जाते हैं, पावर में भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, माइलेज भी आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर पाएंगे, फ्यूल टैंक दोनों का बराबर है, इंटीरियर भी दोनों का बराबर है, लेकिन बूट स्पेस आपको 433 लीटर का देखने को मिलता है, और सर्विस कॉस्ट भी भाई किया सेल्टोस की कम है। तो आज की इस कंपटीशन में कंपैरिजन में सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो किया सेल्टोस ने पूरी तरीके से बाजी मार ली गई है, क्योंकि ये सस्ती भी है मेरे भाई। जहाँ पर आप 13 लाख रुपये लगाकर टाटा हैरियर का सबसे लोअर मॉडल खरीदेंगे, और वहीं आपको किया सेल्टोस में मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड या टॉप मॉडल आपको देखने को मिल जाती है। तो यही था पूरा कंपैरिजन, और आज की इस वीडियो में जीत किसकी हुई, किया सेल्टोस की। तो क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, अपना भी आप डिसीजन बताइए यार, आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को हिट करके चैनल में आपका स्वागत है।